एक साल से नाराज चल रही थी, तभी संगठन के प्रश्न को लेकर नाराज हुई थी। 6 साल के लिए जिस इंसान को सस्पेंड किया था 2023 में, उसके सस्पेंशन के 6 साल खत्म हो रहे थे। जिसने पार्टी को 2017 में विधानसभा हराने का काम किया था, पूरा तय रिपोर्ट के साथ, पुरावे के साथ, प्रूफ के साथ जब पार्टी में जमा किया, उसके 6 साल खत्म भी नहीं हुए थे, उसको पार्टी का करता हर्ता बना दिया। फिर भी मैं पार्टी में लेट होकर चली। पार्टी में मुझे बोला गया था कि चलो नहीं, सबको साथ लेके चलना है, वही विचारधारा के रूप में फिर से हम एक हुए, फिर से हम काम करने लगे। पर जब दोबारा ये पैसे के लेन देन को लेकर टिकट की बटौती हुई, ये बात मुझे ज़्यादा लगी, तो वही बात को लेके मैंने सोचा कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। कामिनी जी, आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या कारण है? आपने कांग्रेस पे आक्षेप भी लगाया है कि पैसे लेते हैं, आक्षेप में लगाया जो नक्कल पुरावे के साथ जो वास्तविकता थी वो मैंने पार्टी के समक्ष रखी है। उसका ऑडियो क्लिप है, उसमें सारे नाम भी है, और पार्टी के जो मेन करता होता है उसको मैंने जहाँ से बोला है तो वो नंबर भी मैंने सबमिट करवा दिया। आज तक कोई बात, कोई नाम बात नहीं आ रहा। जो हिंदी बोल रहा है वो इंसान कौन है, वो भी पार्टी पकड़ नहीं पाई। और ऊपर से मैंने जब सच्ची बात पार्टी के समक्ष रखी, सत्य की आवाज़ बनी गुजरात के लोगों के, जहाँ जहाँ टिकट कटे थे वहाँ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें थी कि जहाँ मुझे पता लगा था, और मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा था कि कई जगह पर बैनर भी लगाए गए थे कि एक करोड़ का व्यापार हुआ है। जब मेरे साथ ये पुरावा आया था तब से मैं लगातार जगदीश भाई को कॉल किए जा रही थी, जगदीश भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने पूर्व प्रमुख अर्जुन भाई से भी संपर्क किया था, उनको पूरी बात बताई भी थी, और जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया था उसके बाद जब मैंने अपक्ष में उम्मीदवारी की थी, उसी मॉर्निंग मैंने दोबारा जगदीश भाई को फ़ोन मिलाया था कि सर ऐसी चीज़ें हो रही है पार्टी में, पार्टी बदनाम हो रही है, तो आप इसकी जाँच करो। तो मैंने मॉर्निंग में भी उनको 3-4 लगातार कॉल किए, मगर उन्होंने मेरा एक भी कॉल ना ही उठाया। तब मुझे लगा कि अब मुझे अपक्ष का फॉर्म भी बनना चाहिए और मुझे लड़ना भी चाहिए। और जब ये सारी बात होने के बाद दोबारा दूसरे दिन मैंने जब फ्रंट पेपर पे देखा न्यूज़ के, तब उन्होंने ऐसा लिखा था कि पार्टी को बदनाम करने के रीज़न से कामिनी बाप पे कोर्ट की नोटिस जारी की जाएगी। तो अगर एक महिला हो सच्ची बात को लेकर पार्टी के समक्ष रख रही हो तो पार्टी को उसकी जाँच और तय करनी चाहिए कि ये हिंदी बोलने वाला इंसान कौन है, ये भाविन कौन है। तो इस बात का पता लगाने की जगह वो मेरे पे दोषारोपण कर रहे, मेरे पे कोर्ट की नोटिस की जब बात कर रहे, तो ऐसी पार्टी में रह के भी क्या करना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।